गुड मॉर्निंग क्लासेस बेटा, आज हम लोग जो आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी रीडर बुक का लेसन नंबर 4 है, जिसका नाम है एन इंडियन अमेरिकन वूमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। आपने नाम सुना हुआ होगा कल्पना चावला, जो कि एक इंडियन वूमन थी, लेकिन वो नासा की तरफ से स्पेस में गई थी बेटा। तो इसके बारे में ही ये जानकारी आपको चैप्टर में दी गई है। इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और लेसन को ध्यान से सुनिए। इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन गर्ल कल्पना चावला मेड इन हिस्ट्री। 1997 में कल्पना चावला, जो कि एक इंडियन लड़की थी, लेकिन उसने अमरीका में रहते हुए, उनकी परवरिश हुई थी भारत में, वो भारत के एक हरियाणा की करनाल जगह है, वहाँ की वो परवरिश थी उनकी, लेकिन बाद में वो बाहर फॉरेन शिफ्ट हो गई थी। वहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और वहीं पे उन्होंने एस्ट्रोनॉम बनी, तो वहीं पे वो रही और उन्होंने अपना नाम किया। शी वेंट टू इनटू द स्पेस, शी पार्ट टू इंटरनेशनल प्रो एंड USA स्पेस सैल्यूट। शी वॉज द फर्स्ट वूमेन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइज गो टू द स्पेस। ये एक ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने भारत में रहते हुए पढ़ाई करी, लेकिन उन्होंने USA के स्पेस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हुए स्पेस में जाने का पहला नाम अपना दाखिल कराया। बट शी मीट विद द ट्रेजेडी, लेकिन वह एक दुर्घटना में उनका अंत हो गया। द स्पेस शेल्टर कोलंबिया कैरिंग द कल्पना चावला वेंट अप इन द फेम ऑन 1 February 2003। The salute of the returning to earth, she had the shade in the space for the 16 days. कल्पना चावला 2003 में जब वो अपनी स्पेस की यात्रा करके, स्पेस में वो 16 दिन रही थी, और 16 दिन पूरे करने के बाद जब वो 1 February 2003 को वो स्पेस से वापस लौट रही थी, तो स्पेस शिप उनका ऊपर ही अंतरिक्ष से कुछ दूरी पर ही क्रैश हो गया था और उनकी उसमें मृत्यु हो गई थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा। शी हैड नेवर हैज अ चाइल्ड एंड ड्रीम्ड ऑफ द सर्च एंड फ्लाइट इन द स्पेस। वो और बच्चों जैसी ही थी, लेकिन उनका जो बचपन का सपना था वो हमेशा छोटी उम्र में ही अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। शी गॉट द डिग्री ऑफ द एस्ट्रोनॉटिक्स एंड इंजीनियरिंग इन इंडिया। देन शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ मास्टर डिग्री। उन्होंने एरोनॉस्टिक इंजीनियरिंग होती है, जो कि स्पेस शिप के लिए कराई जाती है, स्पेस में जाने के लिए कराई जाती है, वो उन्होंने भारत में पढ़ा और इसकी मास्टर डिग्री के लिए वो बेटा अमरीका चली गई थी। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन द कोलंबिया लेटेस्ट नियर इन 16 days। शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 times। वो उन्होंने उनको एक ऐसी नागरिक थी, पहली नागरिक थी भारत की, जो कि 16 दिन अंतरिक्ष में रही और उन्होंने पृथ्वी के 252 टाइम्स में जो उन्होंने समय लिया था उसमें वो पृथ्वी के चारों ओर घूमी हुई थी। द न्यू अबाउट द कोलंबिया डिजाइटर केम इन 2003। और वो 2003 में जब वापस रिटर्न हो रहे थे, दे वर शॉक्ड एंड डिसबिलीव इन हर द होम टाउन। उनके घर के लिए, उनके लोगों के लिए, सबके लिए बहुत दुख वाली खबर हुई कि जब वो 2003 में जब वापस लौट रही थी तो उनका स्पेसशिप इतने बड़े अचीवमेंट के बाद जब वो लौट रही थी तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। शी वॉज ट्रूली ब्रेव एंड ब्राइट गर्ल। वे बहुत ही बहादुर और अच्छी समझदार महिलाएं थीं। हर अचीवमेंट वॉज वंडरफुल। उनका जो अचीवमेंट था बहुत ही काबिले तारीफ था। हर स्टोरी बिकम द एक्सप्रेशंस फॉर द मिलियंस यंग इंडियन। उनकी जो कहानी है या उनका व्यक्तित्व है वो बहुत से भारतीयों के लिए एक एक मार्गदर्शन देने वाला है कि हमें भी ऐसा ही कुछ सपना देखना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। शी गिव मैसेज फ्रॉम द स्पेस सॉल्यूट ऑफ चंडीगढ़ स्टूडेंट। उन्होंने अपने इस बिहेवियर और अपनी इस बड़ी अचीवमेंट से चंडीगढ़ के काफ़ी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित भी किया। शी सेड देयर ऑलवेज एक्सेप्ट द पाथ ऑफ द ड्रीम्स टू सक्सेस। उन्होंने कहा, हमेशा वो कहती थी जिससे भी मिलती थी कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, तब हम सफल जरूर होंगे। ओनली यू नीड हैव टू कैरेज टू गो आफ्टर योर ड्रीम। वो ये कहती थी कि हमें सिर्फ अपने अंदर इतनी इच्छाएं रखनी चाहिए कि हम अपने ड्रीम के पीछे भागे, यानी हमारा जो ड्रीम है हम उसे पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना
चाहिए। तो ये ऐसी ही कहानी जो मैंने आपको बताई कल्पना चावला की, जो कि देखिए हरियाणा के छोटे से देश का, छोटे से टाउन या छोटा सा आप राज्य कह लीजिए, उसका एक छोटे से जगह की व्यक्ति थी। वहाँ पली बड़ी भारत में करनाल में, लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करी और पढ़ाई के लिए वो अमरीका तक गई और उन्होंने इतना प्रयास किया कि वो एक पहली भारतीय महिला बनी जो कि स्पेस में 16 दिन बिता के आई। लेकिन दुर्भाग्यवश हम उनको सिर्फ एक दुर्घटना, एक स्पेस शिप के क्रैश होने से खो बैठे। तो ये एक अपने को एक बहुत बड़ी मार्गदर्शन देने वाली बात है बच्चों, कि हमें हमेशा अपने सपनों के पीछे लगे रहना चाहिए। हमें अपने सपने पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को कहीं नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए और हम जरूर सफल होंगे। तो ये आपका चैप्टर है कल्पना चावला का बेटा। इससे रिलेटेड आप इसको पहले तो रीडिंग करेंगे, समझेंगे, इससे रिलेटेड वर्क मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू, टेक केयर।